कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबात में मुबीना धांधली का भंडा फोड़ दिया। मजीद उनका ये कहना था कि जो मौजूदा इलेक्शन होंगे ये धांधली शुदा थे और मैंने खुद अपने अमले से अपने लोगों से ये धांधली करवाई है। ये इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इसका इंकशाफ किया था और उनका मजीद कहना था कि मैंने अपने वतन के लिए अपने मुल्क के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया है और मौजूदा जो हालात थे, जो सिचुएशन बनी थी, ये मुझे रात को सहन की नींद सोने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से ये मैंने कदम उठाया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मजीद उनका ये कहना था कि सुबह के टाइम फजर के वक्त उनका दिल भी किया खुदकुशी करने का, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू किया और मैंने ये आराम मौत को मरने को तरजीह नहीं दी और मैंने ये अहद किया कि मैं सुबह उठते साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और आवाम को बताऊँगा। इसके साथ साथ पीटीआई ने भी एहतजाज शुरू कर दिया और पूरे मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी हुई है। मजीद उनका ये कहना था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, वहाँ पे मजीद जो आलमी मीडिया उनको भी शामिल किया, उन्हें बुलाया है और फॉर्म 45 के तहत उसके हवाले से सारे सबूत पेश किए हैं। अब देखते हैं आइंदा दिनों में आगे फर्दर क्या होता है, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और दीगर लोगों पर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि वो भी इस धांधली में मुलव्वस थे। इसके साथ साथ जो पीटीआई इंडिपेंडेंट के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका भी रुझान पीपी 225 से, जिसमें शाजिया हयात है, उन्होंने भी नून लीग के साथ शमूलियत इख्तियार करने का दावा किया है। और इसके साथ साथ जो वसीम अख्तर थे, जो पीटीआई इंडिपेंडेंट के उम्मीदवार थे और कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था पीटीआई की तरफ से, उन्होंने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार किया, जिसकी वजह से अवाम को नहायत गुस्सा है और परेशान है इस वजह से। मजीद आइंदा आने वाले दिनों में अब ये समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत बनेगी तो कैसे बनेगी, क्योंकि किसी के पास वफाक में पूरा मैंडेट नहीं है कि वो किस तरह वज़ीर आज़म बनाया जाए। और आइंदा में आने वाली जो सूरत हाल है उसका IMF के हवाले से, उनकी जो शराइत है और उनकी मजीद किस्म के जो महंगाई का तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से कोई भी हुकूमत या कोई भी पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रही कि आइंदा हम क्या लाहेमल इख्तियार करें। मजीद अब देखते हैं कि ये धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है, आगे फर्दर प्रूफ मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्या आगे होता है, आगे फर्दर इस अपडेट का फर्दर वक्तन वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।